days where I chose you. You're the one who can make me happy. हेलो एवरीवन, माय सेल्फ पंकज यादव, आपका अपने यूट्यूब चैनल मेडिकल शाइन फैमिली में मेडिकल शाइन कैरियर पॉइंट में एक बार फिर से सभी स्टूडेंट्स का नई जोश, नई मोटिवेशन और नई क्लासिक नेक्स्ट लेवल क्वेश्चंस के साथ में जिस वीडियो का टाइटल आप पढ़कर आए हो वो सारे क्वेश्चन ए टू जेड सारे स्टूडेंट्स के लिए मैं आज वापिस लेकर आ रहा हूं। बाकी सारे स्टूडेंट्स को वेरी वेरी गुड इवनिंग, हु विश्ड मी, और बाकी इसके अलावा जो स्पेशल मैसेज है मैं वो रिपीट कर देता हूं, विच इज 4 जनवरी से जो स्टूडेंट मुझे नई लाइव देख रहे हैं उनके लिए स्पेशल मैसेज है। 4 जनवरी से मेडिकल साइंस फैमिली ने सारे स्टूडेंट्स के लिए जो फ्री मेगा टेस्ट सीरीज विद पीडीएफ के साथ में जो शुरू कर रखी है वो आपको अवेलेबल हो रही होगी। आज 38वां टेस्ट था और जो पिछले 37 टेस्ट के लिंक और पीडीएफ सारा सब कुछ अगर किसी ने ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर फर्स्ट टेलीग्राम चैनल पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो। चाहे वीडियो आप 6 महीने बाद भी देखना तब भी ये टेस्ट पीडीएफ सब अवेलेबल रहेगा। और बाकी जो स्टूडेंट मुझे लाइव देख रहे हैं, 1 घंटा अपने सपने के लिए, अपनी जिंदगी के लिए बैठिए। अगर आपको फायदा नहीं होता तो मैं गारंटी देता हूं इस चीज को, दोबारा कोई मेरे लाइव सेशन अटेंड मत करना। इस लेवल का कंटेंट डाटा मैं लेकर आया हूं सारे स्टूडेंट्स से। और बाकी इसके अलावा मैं, आप सोच के देखिए, जितने भी स्टूडेंट मुझे लाइव देख रहे हैं डेली, जो मेरे लिए वेट करते हैं डेली, इस लाइव सेशन का वेट करते हैं, मैं उन, देखो आप सोच के देखो, मेरे जो पर्सनल काम भी है मैंने वो भी सारे बंद कर रखे हैं सिर्फ बिकॉज ऑफ दिस लाइव सेशन। सो मैं सारे स्टूडेंट्स को सारा सब कुछ, सर मैंने भी दिया है मनीषा यादव, बिल्कुल आज का जो कल का लाइव सेशन था, लाज और टेस्ट था, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर देना। जिसने नहीं दिया है आज का टेस्ट और कल का टेस्ट तो सच में बहुत इंपॉर्टेंट है, डाटा बहुत नेक्स्ट लेवल है। बाकी जिस चीज के लिए आप आए और जिस चीज के लिए मैं आया उस चीज को शुरू करते बिना किसी देरी के, और देन फिर उसके बाद में जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आएंगे। सो सबसे पहले जो स्टूडेंट या क्विज और टेस्ट दे रहे हैं उनके लिए स्पेशल मैसेज, या क्विज और टेस्ट कंप्लीटली दिल्ली ईएसआईसी सीआरपीएफ बीएचयू बेस्ड है, तो हर क्वेश्चन को इंपोर्टेंस दे, ट्रस्ट मी आने वाले हर एग्जाम में या तो ये क्वेश्चन आएंगे या फिर इनके बेसिक कॉन्सेप्ट आएंगे। इस बात पर अभी यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, बट नॉर्थ सेट के टाइम पे हुआ था, राजस्थान सीएचओ के टाइम पे हुआ था, जो कि 90% पेपर था, और आने वाले टाइम में 110% रहेगा। नेक्स्ट लेवल पूरा लाइव सेशन रहेगा, मेरी गारंटी है, 1 घंटा दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, सर भोजन ग्रहण कर लीजिए, सर ब्रदर, सर सुपर भी से ऊपर, थैंक यू सारे स्टूडेंट्स को। देखिए मैंने मेरे सारे पर्सनल काम भी छोड़ दिए सारे लाइव सेशन के लिए। सो डेली शाम को रेगुलरिटी मेंटेन कर रखी, तो आप भी रेगुलरिटी मेंटेन कीजिए, डेली शाम को आइए 8:30 बजे। कमेंट करे, बिना कमेंट करे कोई स्टूडेंट्स नहीं रहेगा, आपको पति को सर सुपर सुपर क्लास है आपकी, अजय राज थैंक यू वेरी मच, ये डाटा, ये कंटेंट, ये प्यार आपका जो मुझे डेली मोटिवेट करता है, डेली मैं आपके लिए सिलेक्टेड क्वेश्चंस ढूंढ कर लाता हूं, वो सिर्फ ये आपका प्यार ही लेता है। सो प्लीज डेली शाम को आइए, कमेंट करे सारे स्टूडेंट्स, आपका दिमाग पढ़ता आपको लंबे समय तक याद रहेगा, तो बिना कमेंट करे कोई स्टूडेंट नहीं रहेगा। कुछ इमेज है मैं वो आपको दिखाना चाहूंगा जो मैं लेकर आया हूं, और मेरा फर्ज बनता है जो इमेज के बिना मैं आपको, वैसे भी आजकल कोई क्लास नहीं लेता, तो इमेज के साथ में करेक्ट करेंगे हर चीज को। कमेंट करें, कोई भी स्टूडेंट बिना कमेंट करे नहीं रहेगा, बी करनिंग साइन, बी ए ब्रुज के साइन, करनिंग साइन, सारे स्टूडेंट्स कुछ इस प्रकार से हो रखे हैं। इमेज भी दिखा के एनी रा प्रतीक केम, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार लाइक शेयर कमेंट, बिल्कुल अंजुम अब से, धीरज राजपूत ए मेनिनजाइटिस, देखो मेन चीज विच इज इंपॉर्टेंट, मेनिनजाइटिस के 2 क्लासिकल साइन होते हैं जो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, विच इज कर्निंग साइन और ब्रुज के साइन,
ब्रुज के साइन के अंदर मैं आपको पहले इमेज दिखा देता हूं, देन उसके बाद में आप कभी नहीं बोलोगे विच इज दिस। आपको इमेज प्रॉपर तरीके से दिख रही होगी, दैट इज कर्निंग साइन के अंदर क्या पेन होता है और ब्रुज के साइन के अंदर क्या होता है। मान के चलिए जब आप किसी को हग करते हो तो हग के टाइम के ऊपर जब आप आगे से अगर आप पैर को ऊपर की तरफ करोगे तो आपका जो गर्दन आगे की तरफ जाएगी, सिंपल सी बात है, ब्रुज के साइन होता है। और बाकी इसके अलावा कर्निंग साइन, अगर आप पैर को ऊपर की तरफ फ्लेक्स करोगे अपनी तरफ तो उसके अंदर पीछे की तरफ पेन होगा, दैट इज नोन एज, आपको इमेज के अंदर दिख रहा होगा। भागीरथ मेघवाल मैं लेट हो गया, कोई लेट नहीं, पहला क्वेश्चन है ब्रदर, बेफिक्र रहे। सो इंपॉर्टेंट है, ध्यान देकर के चले सारे स्टूडेंट, सारे स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन, ये इमेज प्रॉपर तरीके से दिख रही होगी, सो ध्यान देकर के चले। कमेंट करे बिना कमेंट करे कोई भी स्टूडेंट्स नहीं रहेगा। एक नेक्स्ट इमेज मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये इमेज आपको क्लियर हो चुकी होगी प्रॉपर तरीके से, देन उसके बाद में मैं एक नेक्स्ट इमेज दिखाना चाहूंगा विच इज वेरी इंपॉर्टेंट और आपको पता होना चाहिए। सो हेयर इज दैट इमेज, प्रॉपर तरीके से इस इमेज को देखिए। ये इमेज पहले तो मैं ये इमेज इसलिए दिखाने की कोशिश करूं मैं सारे स्टूडेंट्स को, विच इज कर्निक्चर्स, जब एक पेशेंट के अंदर, जब एक बच्चे के अंदर, जब एक्सेसिव अमाउंट ऑफ बिलरुबिन डिपॉजिट हो जाता है दिमाग के अंदर, बेसल गैंग्लिया के अंदर, तो मोटर एक्टिविटी खराब हो जाती है, प्रॉपर तरीके से कोऑर्डिनेशन खराब हो जाता है, तो किस तरीके से कर्निक्चर साइन देखने को मिलता है, सारों को पता होगा, हजार बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कर्निक्चर, जब एक्सेसिव अमाउंट ऑफ बिलरुबिन डिपॉजिट इन योर ब्रेन ड्यूरिंग द जॉइंट्स, दैट इज नोन एज कर्निक्चर्स, जिससे बेसल गैंग्लिया के अंदर जाकर डिपॉजिट होता है, बच्चे की साइन के अंदर कुछ इस तरीके से कर्निक्चर्स आने शुरू हो जाएंगे। आपको प्रॉपर तरीके से इमेज दिख रही होगी। नेक्स्ट जो इसके अंदर इमेज है, विच इज क्वेश्चन, मैं आपको दूसरा इमेज दिखाने की कोशिश करता हूं, एक सेकंड, सनसेट आईज, दैट इज सनसेट आईज, आपको एक सेकंड इमेज आपके सामने अभी शो हो जाती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नागपुर एम्स के अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया था और पूछते हैं बार बार। आपने इमेज पहले देख रही होगी पर फिर भी देख लीजिए, इस बच्चे के हाइड्रोसिफेलस हो रहा है, जो कि सनसेट आईज देखने को मिलती है। देख लीजिए इस इमेज को, ढलता हुआ सूरज जो होता है शाम को, उस तरीके से आंखें ढली हुई है, नीचे की तरफ हो रही है, विच इज नोन एज सनसेट आईज। और नागपुर एम्स 2020 के अंदर जो 28 फरवरी को पेपर लगा था उसके अंदर क्वेश्चन पूछा था सनकन आईज, कि सनकन आईज क्या होती है। सनसेट और सनकन में बहुत छोटा सा डिफरेंस है, पता होना चाहिए। हाइड्रोसिफेलिस के अंदर सनसेट आईज होती है और डिहाइड्रेशन के अंदर सनकन आईज हो जाती है, जो कि उसके अंदर क्वेश्चन पूछ रखा था। तो सनकन आईज कुछ इस प्रकार से होती है, आप देख सकते हो, आपको इमेज साइज में छोटा कर दिया जाता है और देन फिर उसके बाद आप प्रॉपर तरीके से देख पाओगे इस इमेज को। सो हेयर इज द सनकन आईज, सारे स्टूडेंट्स को दिख रही होगी प्रॉपर तरीके से। सो हेयर इज द सनकन आईज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है नागपुर एम्स के अंदर, ये क्वेश्चन पूछा गया था। सो ध्यान देख करके चले कि जो सनकन आईज होती है किसमें से देखी जाती है, तो ये किसके अंदर होती है, लेजी साइन जिसे कहते हैं, लेजी आईज हो जाती है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देकर के चले सारे स्टूडेंट्स। बाकी इसके अलावा जो इसके बाद में एक साइन होता है विच इज बबिन्स के साइन, जो इसके अंदर लिख रखा है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है बबिन्स के साइन से, जो रिफ्लेक्स होता है, जो चेक किया जाता है अडल्ट के अंदर भी और बच्चे के अंदर भी, जो कि बहुत बार पूछा जाता है। सो एक बार ये इमेज भी देख लीजिए लास्ट में, देन उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। सो कुछ इस प्रकार से इमेज आपको दिख रही होगी, साइज को छोटा कर दिया जाता है इमेज का एंड देन फिर उसके बाद में आपको प्रॉपर तरीके से दिख जाएगी पूरी इमेज। सो हेयर इज द नॉर्मल, क्या होता है, ये होता है पॉजिटिव बबिन्स के साइन, जिसके अंदर अगर आपके चारों उंगली आगे की तरफ जा रही है विद अंगूठा के साथ में, दैट इज नॉर्मल होता है एडल्ट के अंदर। बाकी इसके अलावा अगर पीछे की तरफ आ रही है अंगूठा, नहीं आगे की तरफ उंगलियां जा रही है और पीछे की तरफ अंगूठा आ रहा है, यानी कि ग्रेटर टो जिसे कहते हैं, तो वो फिर पॉजिटिव ब्रुज के साइन हो जाती है, बबिन्स के साइन। सो इंपॉर्टेंट है, ध्यान देकर के चले, इमेज आपको दिख गई होगी। प्लांटर रिफ्लेक्स भी कहा जाता है बबिन्स के रिफ्लेक्स को, इंपॉर्टेंट होता है, बच्चे के अंदर पॉजिटिव रहता है और एडल्ट के अंदर अगर पॉजिटिव आ रहा है तो कहीं ना कहीं ब्रेन के अंदर डैमेज हो चुका है। सो इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। सैनुस के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। और जिसने वीडियो का लिंक आपके जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर नहीं किया है, आप इतना सपोर्ट जरूर करें। अगर मैं आपके लिए इतना डाटा, इतना कंटेंट लेकर आ रहा हूं, तो सारे स्टूडेंट्स जितने भी हैं और कमेंट करें किस किस ने किया, डेली जो आप करते हो ओबीसी बात है, चाइल्ड में प्रेजेंट होता है, एडल्ट में एब्सेंट होता है, बिल्कुल राजेश मीना, अगर एडल्ट में शो हो रहा है तो कहीं ना कहीं दिमाग के अंदर ब्रेन डैमेज हो चुका है और कोई एबनॉर्मलिटी है उसके अंदर, तो उसको शो करता है। कमेंट करें, कोई स्टूडेंट बिना कमेंट करे नहीं रहेगा। सी विकास मीना, तनु छाबरा, हितेश मीना, प्रेमलता, गौरव शर्मा, राजेश, पिंकी, कालूराम बेरवा, जगदेश, सोमिया, दीपक, संगीता, एनी, मिस पूनम, ओके, कृष्ण, निर्मा, बेबी, रानीपल, गीता, मांगीलाल, दीक्षित, लगभग सारे स्टूडेंट्स ने एकदम 110% सही कहा है। डेक्सा आपको पता होना चाहिए, ड्यूअल एनर्जी एक्सरे एब्जर्मेट्री, कई बार इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, जैसे
बेरा यूज किया जाता है बच्चे के अंदर सुनने के लिए, यानी कि जो बच्चे की सुनने की कैपेसिटी होती है, विच इज डायग्नोस्ड बाई बेरा, यानी कि ब्रेन इवोक्ड, और इसके अंदर जो ओके गुड मॉर्निंग सर मांगीलाल, सो बेरा सर मैंने शेयर कर दिया, थैंक यू राजेश मीना, सो इंपॉर्टेंट है बेरा किसके अंदर यूज की जाती है, बच्चे के अंदर सुनने की कैपेसिटी, और जो डेक्सा होती है ड्यूल एनर्जी एक्सरे एब्जोर्मेटी, सोमिया दस थैंक यू वेरी मच, और बाकी इसके अलावा एक्स ये डेक्सा कैसे होता है आपको प्रॉपर तरीके से दिख गया होगा, कुछ इस प्रकार से जांच होती है और इंपॉर्टेंट है अगर देखने हो तो कैसा जांच की जाती है, और इससे भी अगर मैं अच्छी इमेज दिखाऊं आपको तो आपको इमेज इसके अंदर दिखने को अच्छी मिल जाएगी कि कैसी होती है इसके अंदर। सो ये है अपने पास में प्रॉपर तरीके से बोन्स डेंसिटी को बताने के लिए। देन उसके बाद में इसको हटा दिया जाता है, सर स्लो बोलो समझ में नहीं आ रहा पंकज मेघवाल, भाई ये मेरे पास में टाइम कम रहता है, बस एक सबसे दिक्कत यही है, पर मेरे को डाटा ज्यादा देना पड़ता है उसकी वजह से, थोड़ा सा कंट्रोल कर लीजिए, वीडियो को प्रीवियस कर लीजिए, बस इतना आप मेरे साथ कर लीजिए, क्योंकि मेरे को टाइम कम रहता है पर डाटा ज्यादा देना रहता है उसकी वजह से। बाकी इसके अलावा डेक्सा मैंने आपको दिखा दिया था, इंपॉर्टेंट है, अर्थ्रोग्राफी भी की जाती है टू चेक आउट द नॉर्मल, अगर अर्थ्रोग्राफी की मेरे पास इमेज हुई तो मैं आपको वो भी इमेज दिखाना चाहूंगा, और बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो कि यूज की जाती है एक पूरे शोल्डर को चेक करने के अंदर, कैसे की जाती है वो आई थिंक अगर इमेज रही तो मैं आपको वो इमेज भी दिखाना चाहूंगा। आर्थ्रोस्कोपी की इमेज मिल चुकी है मेरे को, आप ये आर्थ्रोस्कोपी देख सकते हो, दिस इज नोन एज आर्थ्रोस्कोपी, पूरे शोल्डर की एमआरआई टाइप की हो जाती है, जैसे ये शोल्डर की है तो इसके अंदर ग्लेनोइड कैविटी और जो इसके साथ में ह्यूमरस है पार्ट आपको स्रो सब कुछ दिख रहा होगा। सो ये इंपॉर्टेंट है, ये कुछ जांचें होती है नॉर्मल होती है, देखने को आपको अगर अच्छी लगे तो आप देख सकते हो। बाकी इसके अलावा आर्थ्रोस्कोपी कुछ इस प्रकार से होती है और डेक्सा ये इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, काइफोसिस से रिलेटेड लंबार थोरेसिक, बताइए कमेंट करें, बिना कमेंट करे कोई भी स्टूडेंट नहीं रहेगा। कमेंट करें सारे स्टूडेंट्स, बताइए क्या इसका राइट आंसर है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिना कमेंट करे कोई भी स्टूडेंट नहीं रहेगा, बताइए सर, बी 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 सरोज विशाल किरण ज्योति सैड ओके वंदना राजवत राकेश भागीरथ दीपक कालूराम पुष्पा जी, मैं कहां जॉब करता हूं ब्रदर, इस चीज का बेफिक्र रहिए। निशा गायने का सरोज मोनिका पायल दिल्ली की साइड है, आपको पता देना चाहिए कौन सा इंस्टीट्यूट है, आपको पता चल जाएगा, बस अगर किसी को पूछना है तो मैं कहां जॉब करता हूं। सरोज पुष्पा जी नेहा ऋतुमान विक्रम ज्योति रोवत, कमेंट करें सारे स्टूडेंट्स, आराध्या बिश्नोई पिंटू जगरवाल, इंपॉर्टेंट है सारे स्टूडेंट्स, बिना कमेंट करे कोई नहीं रहेगा। देन उसके बाद में सर्वाइकल, सो इंपॉर्टेंट है, आपको अगर मैं इसकी इमेज दिखाना चाहूं जो कि इमेज आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है इसके अंदर सीन, सो एक बार पहले ये इमेज देखिए, देन उसके बाद में आपको प्रॉपर तरीके से अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये होती है इमेज, यानी कि जो आपने राइट आंसर दिया है काइफोसिस, जो कि थोरेसिक कैविटी उसके अंदर एबनॉर्मल हो जाती है। काइफोसिस इंक्रीज द कनकेव कर्वेचर ऑफ द, किसकी होती है, लंबार का नहीं होता, थोरेसिक होता है, मनीषा यादव जैसे आप लोर्डोसिस बता रहे हो, दैट इज मेनली सीन बाय द थोरेसिक कैविटी के द्वारा। बाकी इसके अलावा कुछ इस प्रकार से देखिए, इसके अंदर लंबार से ज्यादा थोरेसिक की जो कैविटी है वो इंक्रीज हो रखी है, दिस इज नोन एज क्या, काइफोसिस। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आ रहा होगा, दिख रहा होगा, विच इज लाइक दिस। नवनीत मीरू राम किशोर नीरू रावत मीनू रोहिला हंसु कुमार सलीम बी बता रहे सारे, सो 110% राइट है, आपको इमेज दिख रही होगी कि कैसे होता है, खूब बड़ निकल जाता है, बिल्कुल ब्रदर सही कहा आपने। देन उसके बाद में अगर मेरे को नेक्स्ट इमेज मिलती है तो मैं आपको और अच्छे से इसको दिखाने की कोशिश करता हूं और आपको फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या होता है। दिस इज नोन एज हेयर इज द इमेज, देखिए इस इमेज को प्रॉपर तरीके से, स्कोलियोसिस आपको दिख रहा होगा, अगर मिड लाइन कैविटी से अगर कर्वेचर इस तरफ हो जाता है तो स्कोलियोसिस, लोर्डोसिस कैसे होता है, काइफोसिस कैसे होता है, और फ्लैट बैक और स्वे बैक दोनों इंपॉर्टेंट है, लोर्डोसिस काइफोसिस और स्कोलियोसिस तो दुनिया को पता है, लेकिन स्वे बैक कैसी होती है और फ्लैट बैक कैसे होती है, विच इज इंपॉर्टेंट है। सो सारे स्टूडेंट्स ध्यान दे करके चले, स्वे बैक आपको दिख रही होगी, फ्लैट बैक आपको दिख रही होगी, अगर ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाए तो आप 110% करके आ सकते हो।
देन उसके बाद में अगर इसके बाद में नेक्स्ट इमेज जो इसके अंदर शो अगर मैं करना चाहूं आप सारे स्टूडेंट्स के सामने, तो हेयर इज द स्कोलियोसिस काइफोसिस की इससे भी बेस्ट इमेज देखिए इसके अंदर लोर्डोसिस कैसी हो रखी है, काइफोसिस कैसी हो रही है और स्कोलियोसिस के अंदर कैसे पोस्चर है पूरे पेशेंट का, तो प्रॉपर तरीके से आपको दिख रही होगी। प्रेगनेंसी में लोर्डोसिस होता है, बिल्कुल होता है सर सुरेश चौधरी जी, बिल्कुल सही कहा आपने, सो इंपॉर्टेंट है, आपको इमेज दिख गई होगी। नेक्स्ट इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, कमेंट करे बिना कमेंट करे कोई नहीं होगा, काउंटर मैंने शुरू कर दी है। और अगर आपको ये कंटेंट, ये डाटा, ये नॉलेज, ये लाइव सेशन अगर अच्छा लगता है, आपका दिल बोलता है, कॉन्फिडेंस बूस्ट है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, डेली शाम को 8:30 बजे ये अपने सपने के लिए। बिल्कुल मनी शायद अब सही कहा आपने, लोर्डोसिस प्रेगनेंसी में होता है, बिल्कुल हो जाता है। बताइए विच वन ऑफ द नियोनेटल कॉम्प्लिकेशन नॉट सीन इन इन्फेंट फॉर डायबिटिक मदर, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायबिटिक मदर से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। मोनिका, माधुरी, रीता, रानीपल, सुप्रिया सी, हाइपरग्लाइसीमिया, और ये जो वेस्टर्न कोल्ड फील्ड का पेपर लगा था 2019 के अंदर, जो अभी लास्ट से लास्ट ईयर, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो हूबहू क्वेश्चन है। हाइपरग्लाइसीमिया बिल्कुल, अजय, अर्चना पांडे, रितु मान, लगभग सारे स्टूडेंट्स ने एकदम 110% सही बात बताई है। प्रवन, ओके, मोनिका, वंदना, देखो क्या होता है, सिंपल सी बात होती है, ऑब्वियस सी बात है, आरडीएस होगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होगा, सारों को पता है, इंसुलिन एंटागोनिस्ट होता है, कोर्टिसोल का सर्फेक्टेंट्स नहीं बनेंगे, आरडीएस हो जाएगा, दुनिया को पता है। देन उसके बाद में हाइपोक्सिया होगा, उसके कंपनसेटरी मैकेनिज्म में आरबीसी निकलेगी, पॉलीस्थीमिया हो जाएगा, पॉलीस्थीमिया होगा तो ज्यादा आरबीसी बनेगी, तो ज्यादा टूटेंगी, तो ऑब्वियस ही बात है जॉइंडस हो जाएगा। देन उसके बाद में अगर बच्चे के अंदर क्या होता है, ये हाइपरग्लाइसीमिया, ग्लूकोज कर जाता है प्लेसेंटा को, और प्लेसेंटा को ग्लूकोज क्रॉस करके जाएगा, तो बट इंसुलिन नहीं कर सकता, तो खुद का इंसुलिन बनता है बच्चे का, और जिसकी वजह से जब आफ्टर द डिलीवरी तो जो ग्लूकोज आ रहा है वो अचानक से रुक जाता है, बट जो इंसुलिन है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता रहता है, जिसकी वजह से जो ग्लूकोज है उसको जितना भी थोड़ा बहुत बचा उसको कम कर देता है, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाती है। बाकी इसके अलावा हाइपोकैल्सीमिया पैराथायराइड लेवल का भी लेवल को एबनॉर्मलिटी कर देता है, सो वो भी इंपॉर्टेंट है। सो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है सी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, काउंटडाउन मैंने शुरू कर दिया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाइपोथायरिज्म ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, बताइए। और जिसने वीडियो का लिंक शेयर नहीं किया, आपके जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें प्लीज इतना सपोर्ट कर सकते हो, अगर मैं आपके लिए इतना सब कुछ डेली कंटेंट लेकर आ रहा हूं, अगर आपका दिल बोलता है अगर मेरे लिए कुछ करना चाहते हो तो जरूर कीजिए इतना। रियांश अखंड, ऑप्शन सी सबसे पहले जवाब दिया है, राजेश मीना ने सी, चंद्रिका शर्मा सी, देखते कौन कौन सही जवाब देता है। डी सी सी आर ए राजेश, बताइए बिना कमेंट करे कोई भी स्टूडेंट नहीं रहेगा। शिल्पा तलबांडे, सी रिकरेंट एबोर्शन, बी हंसु कुमाउद मीना रोहिला, ऑप्शन सी बी मैक्रोसीमिया, ऑप्शन सी बी। देखो क्या होता है, मैं बताना चाहूंगा सारे स्टूडेंट्स को, मेंटल रिटार्डेशन, हाइपोथायरॉइडिज्म, T3, T4 लेवल कम डेफिनेटली होगा, सिंपल सी बात है। सॉरी सर व्हाट्सएप नोट यूज, बट टेलीग्राम पे शेयर कर दिया गुरुजी, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, अगर आपको जहां भी मन करा वहां पर शेयर कर दीजिए, पर कमेंट करके मुझे बताइए किसने शेयर किया। बाकी इसके अलावा T3, T4 का लेवल कम कॉमन सी बात है, मेंटल रिटार्डेशन होगा ही होगा। रही बात रिकरेंट एबोर्शन की, तो ये बात लिख रहे ना जिसने ऑप्शन सी माना है, रिकरेंट एबोर्शन भी हो जाता है हाइपो पैराथायरॉइडिज्म के अंदर, सॉरी इसके अंदर जो आप बता रहे हो ये बिल्कुल हाँ सही का, इसके अंदर हो जाता है। प्रीएक्लेम्सिया ऑब्वियस ही बात है, T3, T4 का लेवल कम होता है तो उसकी वजह से भी रिस्क फैक्टर हो जाता है प्रीएक्लेम्सिया क्या, बट मैक्रोसोमिया कभी भी नहीं होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्या है ऑप्शन बी, अच्छा बेबी बोलता है हाइपोथायरॉइडिज्म बेबी, साइलेंट बेबी, अच्छा बेबी बोलते हैं, बिल्कुल सुरेश चौधरी। सो ऑप्शन बी इज 110% राइट, मैक्रोसोमिया नहीं होता है। मैक्रोसोमिया इंपॉर्टेंट है किसके अंदर, दैट इज मेनली इंपॉर्टेंट इन डायबिटिक मदर के अंदर, बाकी इसके अलावा हाइपोथायरॉइडिज्म से रिलेटेड है डायबिटिक मदर के अंदर, बिल्कुल मैक्रोसोमिया इन द जस्ट फाउंड इन ओनली डायबिटिक मदर के अंदर। सो वो कॉम्प्लिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिकरेंट एबोर्शन भी हो जाता है हाइपोथायरॉइडिज्म की वजह से, सो ऑप्शन सी इज नॉट अ राइट आंसर। सारे स्टूडेंट्स ध्यान देकर के चले, सारे कॉम्प्लिकेशन लिख लीजिए जो इंपॉर्टेंट है।
थैंक यू ग्रेट क्लास सर जी, मेरा करेक्ट है बिल्कुल शिल्पा तलवांडे, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, हर दूसरे तीसरे एग्जाम में पूछते हैं आयरन से रिलेटेड, आज के बाद जिंदगी में कभी भी आयरन से गलत क्वेश्चन नहीं कर आओगे अगर ये पूरी क्लास अटेंड करोगे तो। मैंने शेयर किया रानीपाल, थैंक यू सारों को, वेरी वेरी थैंक यू जिसने, ओके मेरा करेक्ट है बिल्कुल मिस पूनम। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इज माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक, मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक, मैक्रोसाइटिक नॉन क्रोमिक और नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक। सारे स्टूडेंट्स कमेंट करें, बिना कमेंट करे कोई नहीं रहेगा। और किसी को पीछे से म्यूजिक की आवाज आए तो प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट कर लीजिए, क्योंकि ये जो पूरा स्टूडियो है, जो पूरी क्लास है, ये थोड़ा सा पास में है तो बेफिक्र रहे, और आजकल शादियों का माहौल होना शुरू हो चुका है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इज माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक, मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक। सारे स्टूडेंट्स कमेंट करें। माधुरी सैट चौधरी, गीता अजय राज सिंह, प्रतीक शौकीन, कृष्ण कुमार, लाल चंद्रा, एकता राजकुमार, नेहा, सारे स्टूडेंट्स कमेंट करें। रिद्धमाल, करण कर्नक, मीनाक्षी शर्मा, पुष्पा जी, लगभग सारे स्टूडेंट्स ने एकदम सही जवाब दिया है। देखो क्या है, लिख लेना आयरन से रिलेटेड जितने भी आज तक क्वेश्चन पूछे गए, मैं वो बता देता हूं, दोबारा लाइफ में अगर आपको सामने आयरन दिखेगा आप कभी भी गलत नहीं करके आओगे, ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन होता है जो, और मैं आपको एग्जाम्पल भी बताता हूं किस किस क्वेश्चन के अंदर, किस किस एग्जाम के अंदर नहीं आ रहे। सर ज्योति आ जाएगा थोड़ी देर बाद में, अगर अभी नहीं आ रहा तो देखो मेन चीज है, मैं वो बताना चाहता हूं, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक होती है, दुनिया को पता है। मैगोब्लास्टिक एनीमिया के अंदर मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक होती है, जिसके अंदर विटामिन बी वेल की कमी हो जाती है। नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज किसके अंदर देखने को मिलता है, दैट इज मेनली सीन इन सिकल सेल एनीमिया के अंदर नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक होती है। आप बोलोगे सर क्यों, क्योंकि सिर्फ खाली शेप चेंज हुई है, साइज चेंज नहीं हुआ है सिकल सेल एनीमिया के अंदर, सो इंपॉर्टेंट है। ग्लूटामेट की जगह वैलिन आ जाता है, इंपॉर्टेंट है, पूछते हर दूसरे एग्जाम में। देन उसके बाद में आयरन हमेशा विद मील के साथ में लिया जाता है, या फिर थोड़ी देर पहले जस्ट खाने से, या फिर हमेशा मील के साथ में लिया जाता है। रेटिकुलोसाइट्स बढ़ती हैं जब आप सबसे पहले, अर्ली इंडिकेटर ऑफ आयरन का लेवल जब बढ़ता है तो क्या होता है, रेटिकुलोसाइट्स बढ़ती है। और कब बढ़ती है, बहुत बार पूछा गया है, विच इज 72 से 96 घंटे के बाद में, यानी कि अगर हावर्स में पूछा जाए, अगर दिनों के अंदर पूछा जाए तो 7 to 10 days लग जाता है अगर आप एक बार आयरन थेरेपी शुरू करते हो आयरन के लेवल को बढ़ने के लिए। और इंपॉर्टेंट जो आयरन से पूछा जाता है, सारा डाटा मैंने बता दिया है। बाकी इसके अलावा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया फीमेल के अंदर मोस्ट कॉमन जो न्यूट्रिशनल एबनॉर्मलिटी होती है, फाउंड होती है हर एडोलेसेंट फीमेल के अंदर, जो कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होती है, सो इंपॉर्टेंट है। हेमरेज में कौन सा होता है सर, हेमरेज में इसके अंदर आप किस तरीके से पूछना चाहते हो, हेमरेज के अंदर आप किस तरीके से पूछना चाहते हो मेरे को बताइए। हेमरेज के अंदर ऐसे कुछ अलग से होता नहीं है इसके अंदर, सो आप पहले मेरे को अच्छे से बताइए। विटामिन सी के साथ में ली जाती है, बिल्कुल विटामिन सी ज्यादा एब्जॉर्बेशन करवाता है आयरन की, और डेस्फ्रोक्सामाइन दुनिया को पता है इसकी एंटीडेट होती है। और इसके अलावा विनरोज यूरिन किसके अंदर प्रेजेंट होता है, आयरन टॉक्सिसिटी के अंदर हो जाती है, सो इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, इसका राइट आंसर मैंने अभी बता दिया लेकिन फिर भी बताइए मुझे सारे स्टूडेंट्स। इन सिकल सेल एनीमिया द रिप्लेसमेंट ऑफ द अमीनो एसिड अक्कर बाय वैलिन अमीनो एसिड, ग्लूटामेट, हिस्टिडिन, अर्जिनिन और मिथिनोइन। बिल्कुल मिल्क के साथ में अवॉइड करते हैं, कभी नहीं देते, विटामिन सी के साथ में दिया जाता है हमेशा, अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाए। हितेश कुमार, विकास मीणा, मेरे बोला है सर ने मील बोला है, बिल्कुल सुप्रिया शर्मा मील बोला, मैंने मिल्क नहीं बोला, ये फर्क रखे, विद मील के साथ में ऑप्शन ए ग्लूटामेट। सिकल सेल एनीमिया से मैं बता देता हूं, अगर किसी ने हिमेटोलॉजी वाली मेरी क्लास अटेंड नहीं करी है और वो चाहता है मैंने सिकल सेल एनीमिया कभी नहीं पढ़ू लेकिन मेरे क्वेश्चन भी सही हो जाए, किसका सिकल सेल एनीमिया का, तो मैं बता देता हूं जो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है सिकल सेल एनीमिया से, हीमोफीलिया से, मैं सारा सब कुछ बता चुका हूं। आपको पता होगा जो इसके अंदर सिकल सेल एनीमिया से ग्लूटामेट की जगह वैलिन हो जाती है, अगर यहां पे ये लिखा जाए सिकल सेल ट्रेट, लिख लेना ये फर्क मैं बता रहा हूं, सिकल सेल एनीमिया के अंदर ग्लूटामेट की जगह वैलिन आ जाता है सभी को पता है, पर अगर जो सिकल सेल ट्रेट से पूछ लिया जाए तो लाइसिन आ जाता है वैलिन की जगह, इंपॉर्टेंट है, बहुत नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन है, ट्रेट के अंदर लाइसिन,
एनीमिया के अंदर वैलिन इंपॉर्टेंट है, देन उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट होती है सिकलिंग प्रोसेस हो जाती है, और सबसे इंपॉर्टेंट पूछा गया वैसिको ओक्यूलो क्राइसिस होती है सिकल सेल एनीमिया के अंदर। अरे भाई दुनिया को पता है, अगर ये मेरी हाथ है, अगर हाथ के अंदर से आर्टरीज वेंस जा रही है और इसके अंदर अगर सिकल सेल डिपॉजिट हो जाती है तो उसकी वजह से ओक्लूजन हो जाएगा, उसकी वजह से सीवियर पेन होगा। अगर ये जो कंडीशन है ये किसी ऑर्गन के अंदर होती है उसे कहते हैं वैसिको ओक्यूलो क्राइसिस। हजार बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, प्रायोरिटी होती है पेन को सही करना। पेशेंट को बहुत ज्यादा पेन होता है, आपके अंदर ऑप्शन में रहेगा कि पेन, ऑक्सीजन, फ्लूड थेरेपी, तो सबसे पहले पेन, देन उसके बाद में जो फ्लूड थेरेपी दी जाती है ऑक्सीजन थेरेपी दी जाती है। सो इंपॉर्टेंट है सिकल सेल एनीमिया से ध्यान देकर के चले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, और जिसको ये क्लास अगर इंपॉर्टेंट लग रही है, डाटा इंपॉर्टेंट लग रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। 9000 से ज्यादा फैमिली है ये, उसका आप हिस्सा बनिए जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता, बाद में सब्सक्राइब कर देना होने के बाद में, हम तो चाहते हैं आप लंबे समय तक जुड़े रहे हमसे। सुनी दी कला, पेन इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, बिल्कुल। स्प्लेनोमिगैली, हेमटोमिगैली भी होता है छन्नू छाबरा, बिल्कुल। पेन मैनेजमेंट फर्स्ट, मांगीलाल पटेल, इंपॉर्टेंट है इसके ऊपर कमेंट करें पहले। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व इन द कॉन्जेनिटल मालफॉर्मेशन इन इन्फेंट ऑफ ए डायबिटिक मदर, सीवीएस, सीएनएस, जीआईटी और रीनल। मोनिका गोस्वामी, सुबिता रनवा, गौरव शर्मा, ज्योति रावत, भागीरथ, प्रेमलता, पुनीत शर्मा ए, गौरव शर्मा ए, संगीता शर्मा, प्रिया भारती, विकास, अजय, आरजे, सीबीएस एंड देन रीनल, अर्चना, बताइए मुझे कमेंट करें। कालूराम, किरण, सोनिका, सलीम खान, राजकुमार, लगभग सारे स्टूडेंट्स ने एकदम सही जवाब दिया। इसमें मिक्स्ड सा भी आ रहा है बट अच्छा है, ठीक है, मतलब सेटिस्फैक्टरी जवाब। देखो क्या होता है, मेन चीज होती है डायबिटिक मदर से जो मोस्ट कॉमन होता है, जो इसके अंदर सिंड्रोम होता है और जो मोस्ट कॉमन इसके अंदर सिस्टम इफेक्ट होता है, दैट इज कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। सर लेट हो गए सुरेश बेरवा, बेफिक्र रहिए, आप वीडियो को प्रीवियस कर सकते हो। बाकी इसके अलावा ऑप्शन ए 110% राइट, जीआईटी अफेक्ट नहीं होता। मनीषा यादव जी आप बता रहे हैं, विच इज मेन जो चीज होती है दैट इज कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता है, जिसके अंदर पीडीए वगैरह, ट्रांस पोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज वगैरह हो जाती है, बट जो मेन चीज होती है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इफेक्ट होता है। देन उसके बाद में जो अदर सिस्टम होते हैं वो अफेक्ट होते हैं, बट जो मेन प्रायोरिटी है दैट इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, कमेंट करें, कोई भी स्टूडेंट बिना कमेंट करे नहीं रहेगा। यस सर, सीवीएस, वीएसडी मोस्ट कॉमन, मांगीलाल पटेल, बिल्कुल। एब्सटेन एनोमली भी सीध के अंदर सीन होती है। बताइए, काउंट डाउन मैंने शुरू कर दिया। ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ फॉर डायबिटीज ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, मेटामोर्फिन, इंसुलिन, सल्फोना यूरिन और पिग्लोटाजोसिन, बताइए। ज्योति गुनवाल ऑप्शन ए बता दिया, सबसे पहले मेटामोर्फिन, नॉर्मोसाइटिक, नॉर्मोक्रोमिक, ओके। तनु छाबरा ऑप्शन ए, माधुरी ऑप्शन ए, बेबी मोनिका ऑप्शन बी, सुबिता इंसुलिन, कुंदन बी, पूजा, तनु छाबरा इंसुलिन, हितेश, जय, विकास, कीर्ति, सौरभ, राजवीर, मांगीलाल पटेल, सरोज, विकास, नेहा, पुष्पेंद्र, एजे, पुनीत, लगभग सारे स्टूडेंट्स ने मिक्स्ड अच्छा जवाब दिया है। और इंपॉर्टेंट है मैं बता देता हूं, इंसुलिन का ऐसा कोई एग्जाम नहीं जाता, कोई से उठा के देख लीजिए, अगर किसी को मेरी बात पे यकीन नहीं होता आप लास्ट के 5 पेपर उठाइए, उसमें देखिए इंसुलिन से कितनी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। और इंपॉर्टेंट है इंसुलिन का टॉपिक, चाहे वो रैपिड पूछ लिया जाए, लॉन्ग पूछ लिया जाए, या फिर कैसे दिया जाता है, ह्यूमलिन को कैसे पहले मिला कर दिया जाता है, एयर कब ली जाती है, आईवी रूट के द्वारा कौन सा दिया जा सकता है, एनपीएच की फुल फॉर्म क्या होती है, दुनिया पता है, दुनिया पढ़ती है और पूछते भी है। मेन चीज है इसके अंदर, जब एक प्रेग्नेंट फीमेल को अगर आप डायबिटीज मलाइटस हो रही है और इंसुलिन दिया जाता है, टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन अंशु कुमार, बिल्कुल, और मेटामोर्फिन नहीं दिया जाता, सल्फोन यूरिन जो ग्लिमिप्राइड होती है वो नहीं दी जाती है, इंसुलिन दिया जाता है और दिया जा सकता है, पेनिसिलिन हो गया, इंसुलिन हो गया, ये दी जा सकती है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। पिग से मिलता है, आजकल तो लेटेस्ट बन चुके हैं पर पहले पिग से बनता था इंसुलिन। पिग को आप सभी को पता है कौन है और क्या होता है। देन उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है, मैंने कल भी बताया था, मैं फिर बता रहा हूं, फेंटिंग और फेस्ट ने 1921 में खोज की थी इंसुलिन की, और इसके अंदर 51 अमीनो एसिड होती है, कोई नहीं बताएगा ये बात, बहुत इंपॉर्टेंट है। 21 होती है एसिडिक के अंदर और 30 होती है किसके अंदर, बेसिक चेन के अंदर। सो इंपॉर्टेंट है, बाकी रैपिड, शॉर्ट, ये सारी चीजें आपको पता है कैसे कैसे दी जा सकती है। ह्यूमलिन से रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, आईवी रूट के द्वारा दिया जा सकता है, शॉर्ट एक्टिंग होता है, और प्लस में इसके अलावा पहले ह्यूमलिन लिया जाता है, देन उसके बाद में दूसरे जो भी इंसुलिन लिया जाता है, सो इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद में इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा,
बताइए सारे स्टूडेंट्स, हीमोडायलिसिस नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन, नेक्स्ट लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। विच इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ हीमोडायलिसिस? बिल्कुल मीनाक्षी शर्मा, बताया था मैंने कल, फोटो आइसोमराइजेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। भाइयों नोटबुक और पेन उठाकर बैठ जाना, क्योंकि अब जो मैं 5 से 6 गोल्डन पॉइंट बताऊंगा, मेरी गारंटी अगर ये अगले 2 से 4 एग्जाम में नहीं आए तो, क्योंकि हीमोडायलिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई नहीं पूछता सीकेडी क्या होती है, कोई नहीं पूछता एकेडी क्या होती है, कोई नहीं पूछता, पूछते होंगे इंपॉर्टेंट है, बट जो मेन क्वेश्चन पूछते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। डायलिसिस से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, एमएसएन का बहुत खतरनाक पार्ट है नेफ्रो के अंदर। मेरा नाम नहीं ले रहा, को किसका नाम नहीं लिया गया सर? मेरा नाम नहीं लेते नीरू नियर, बिल्कुल आपका नाम ले दिया, बेफिक्र रहिए। गायनिक हितेश, सारे स्टूडेंट्स को खुश रखेंगे, बेफिक्र रहिए। आज अगर आप हो तो उसकी वजह से मैं हूं यहाँ पे, अगर आप नहीं हो तो मेरा कोई वजूद नहीं है इस दुनिया में। जब मैं मेरे काम छोड़कर आपके लिए आ रहा हूं, आप अपना काम छोड़कर डेली 1 घंटा दे रहे हो, तो ये सिर्फ आपका जो ये जो अटैचमेंट है, ये जो कुछ है, सिर्फ मैं आपकी वजह से हूं। सो बेफिक्र है, डेली आइए। और ये डाटा, ये कंटेंट मैं ऐसे सिलेक्ट इसीलिए लेकर आता हूं। राम किशोर, सुनिधि, मिस पूनम, सरोज दाकर, ऑप्शन ए फोटो आइसोमराइजेशन। अब देख लीजिए, लगभग सारे स्टूडेंट्स को पता चल गया होगा इसके अंदर जो क्वेश्चन पूछते हैं और इंपॉर्टेंट है। मैं आपको जो बातें बता रहा हूं लिखते जाना। सबसे पहले हीमोडायलिसिस जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है, विच इज, मान के चलिए एक पेशेंट है, उसको हीमोडायलिसिस हो चुकी है, तो आप कैसे पता चलोगे कि क्या कंफर्मेटिव है कि भाई ठीक है हीमोडायलिसिस सही हो चुकी है या फिर सही हो रही है? दैट इज, सोनू गवारिया सर आप मेरा भी नाम नहीं लेते हो, बिल्कुल लेते ब्रदर। सो बाकी इसके अलावा इंपॉर्टेंट है कि हाइपरकैलेमिया जो पेशेंट के अंदर हो रहा है वो कम हो जाएगा, नॉर्मल लेवल में हाइपरकैलेमिया की जगह नॉर्मल जो पोटेशियम का लेवल वो हो जाएगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। टाइमिंग क्या है सर जी? डेली शाम को 8:30 बजे। बाकी इसके अलावा जो क्वेश्चन है उसके ऊपर फोकस कीजिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो चीज आती है, जो हीमोडायलिसिस से क्वेश्चन पूछा जाता है, हर 4 घंटे बाद में जो फिस्टुला बनाया है उसके ऊपर क्या चेक किया जाता है? थ्रिल और ब्रूट साउंड चेक की जाती है हर 4 घंटे बाद में। आप सर हमारे लिए कर रहे हो, आई होप आप खूब आगे जाओगे। हितेश पटेल, थैंक यू ब्रदर, सो इंपॉर्टेंट है। मैं जो बातें बता रहा हूं उसको लिखते जाना। असेस थ्रिल और ब्रूट साउंड एवरी 4 आवर। कब की जाती है? फिस्टुला के टाइम पे की जाती है। कोई बीपी इंस्ट्रूमेंट कुछ नहीं लिया जाता, कोई आईवी ड्रग नहीं दी जाती किसी पे भी जिसके हीमोडायलिसिस चल रही है उस हैंड पे। बाकी इसके अलावा कैथेटर इमरजेंसी के अंदर यूज की जाती है, फिस्टुला हो गया, ग्राफ्ट हो गया, ये सारों को पता है, सबको इसका डाटा याद है, पर जो मेन चीज है वो ये है, मैंने आपको बता दिया है। थ्रिल और ब्रूट का बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सो याद करके चले। बाकी इसके अलावा नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस पूछते हैं। देन उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये जो इतने पॉजिटिव कमेंट्स आ रहे हैं मेरे पास, मैं डेली इतने सारे लोग इस पूरे लाइव सेशन के अंदर अटेंड करते हैं और यूजफुल मानते हैं इसे, ये ही कॉन्फिडेंस है कि जो मेरे पर्सनल काम भी है मैंने वो भी छोड़ रखे हैं पिछले 1 महीने से 1.5 महीने से, क्योंकि टेस्ट सीरीज हो गई, पीडीएफ हो गया, पीपीटी हो गया, सब बनवाना पड़ता है, तो मैंने सारा डाटा सारा देने के लिए सब काम छोड़ रखा है। सो इंपॉर्टेंट है, डेली शाम को 8:30 बजे। और जिसको ये लाइव सेशन अच्छा लगता है, इंपॉर्टेंट है, और दिल बोल रहा है आपका, कॉन्फिडेंस हो रहा है, बूस्ट हो रहा है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। डेली शाम को 8:30 बजे नेम लेने के बाद में क्या मिलेगा? भागीरथ मेघवाल, बिल्कुल, मैं कह रहा आपकी दुनिया नाम लेगी, दुनिया नाम लेगी जब आपका सिलेक्शन होगा, मेरे नाम लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बेबी अर्चना, एकता, राजेश, मीना, सोनी, जिला, किरण, सलीम खान, अनी, कांता, इंपॉर्टेंट है, राज के कमेंट करेंगे सारे स्टूडेंट्स। सोमिया, सरोज राव, पूनम यादव, कालूराम बेरवा, राजवीर, विशाल, ज्योति, मीनू, जय, स्नेह, दिलदार बक्स। ओके, देखो क्या कॉज ऑफ कन्वर्जन इन एकिलेप्सिया, लिख लेना, इंपॉर्टेंट है बहुत, जो कि सेरिब्रल एनोक्जिया हो जाता है, ऑप्शन ए, यानी कि जो जो सेरिब्रम है उसके अंदर हाइपोक्सिक कंडीशन हो जाती है और बिल्कुल ही ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि आर्टीरियल स्पाज़म हो जाता है उसकी वजह से, हाइपोवोलेमिया, हाइपोकैल्शियमिया, शोक वगैरह ये कुछ भी नहीं होता है, जो मेन कारण है मैंने आपको बता दिया है। मैग्नीशियम सल्फेट इसको दी जाती है ड्रग ऑफ चॉइस। मैग्नीशियम सल्फेट की जब टॉक्सिसिटी हो जाती है उससे बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं, विच इज सबसे पहले अर्ली साइन होता है किस चीज का? मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी का, विच इज एब्सेंस ऑफ डीप टेंडन रिफ्लेक्स। बाकी इसके अलावा रेस्पिरेशन चेक की जाती है और यूरिन आउटपुट चेक की जाती है और डीप टेंडन रिफ्लेक्स चेक करते हैं ड्यूरिंग द मैग्नीशियम सल्फेट थेरेपी, और जब उसकी टॉक्सिसिटी हो जाए तो कैल्शियम ग्लूकोनेट दी जाती है। लिख लेना ये बात, इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम ग्लूकोनेट कितनी दी जाती है? 10 ml NS के अंदर 1 ml ऑफ कैल्शियम ग्लूकोनेट, इस तरह की इसकी डोज दी जाती है। सारे गोल्डन पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं।
ध्यान देकर के चले सारे स्टूडेंट्स। सो सेरिब्रल एनोक्सिया हो जाती है और मैग्नीशियम सल्फेट की जो लोडिंग डोज होती है जो दिल्ली एम्स में 2018 में पूछी गई थी, जो कि उन्होंने तो 8 mg/8 g के अंदर आसपास मानी थी, बट जो और सारे डाटा है मैं उस डाटा के बेसिस के ऊपर बता रहा हूं, विच इज 4 g इन 10 से 20 मिनट्स के अंदर आपको वापिस से देते रहने था जब तक कि पेशेंट की जो ठीक नहीं हो जाए, जो उसके अंदर सीजर्स वगैरह फिट्स वगैरह आ रहे हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट है। ब्रू टोटेबल एंड थ्रिल फील होती है, बिल्कुल। सो ऑप्शन ए इज 110% राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, बताइए ये डाटा, ये कंटेंट, ये विश्वास आपका, आज सिर्फ आपका विश्वास ही मैं इतने आगे ये पूरे मेडिकल साइंस फैमिली को लेकर आया है, तो ये डाटा, ये कंटेंट हमेशा ऐसे चलता रहेगा। परेशान नाउ ऑल ऑफ द साइन ऑफ इंपेंडिंग एक्लेप्सिया एक्सेप्ट एपिगैस्ट्रिक पेन, ब्लरिंग ऑफ द विजन, ओलिगोयूरियर हाइपोटेंशन। और यकीन मानिए जो ये डाटा मैं दे रहा हूं, आप कोई भी एग्जाम देके देखिए, अगर नहीं पूछता है, नहीं कहता है, तो कोई भी मेरे लाइफ सेशन लाइफ में कभी अटेंड मत करना, इतनी गारंटी है मेरी, अगर नहीं हो तो। All are the sign of impending epilepsy option, सबसे पहले गौरव शर्मा डी, भागीरथ किरण, राजवीर, बिल्कुल, रचना, सौम्या, हेमलता, भागीरथ, अर्चना, सौरभ, वंदना, निदा, जय, पिंकी, रचना, ओके, गायने गायबरी, कांता, ज्योति रावत, हितेश, हेमंद्र, राजेश, पूरन, पुनीत शर्मा, कृष्ण कुमार, ज्योति, ऋतु। देखो क्या मेन चीज है, मैं बता देता हूं, बहुत पूछी जाती है। सबसे पहले एल्कोहलिक वाले पेशेंट के अंदर जो मोस्ट कॉमन आप हेलुसिनेशन देखने को मिलता है, विच इज ऑडिटरी हेलुसिनेशन, लिख लेना, इंपॉर्टेंट है। सिजोफ्रेनिया का जो मोस्ट कॉमन अर्ली जो सिम्टम प्रेजेंट होता है, अर्ली सिम्टम कौन सा होता है, विच इज ऑडिटरी हेलुसिनेशन होता है, ये लिख लेना। देन उसके बाद में जब एक्लेम्सिया का पेशेंट हो, सीजर्स आने वाले होते हैं, तो जो हेलुसिनेशन देखो मिलता है, विच इज ऑल्फैक्टरी, सूंघने जैसा लग जाता है, इंपॉर्टेंट है। एपिगैस्ट्रिक पेन होता है, बाकी इसके अलावा ब्लरिंग ऑफ विजन होने लग जाती है, और ऑब्वियस सी बात है अगर बीपी हाई हो रहा है तो ब्लरिंग ऑफ द विजन तो होना कॉमन सी बात है। ओलिगो यूरिया हो जाती है, बट हाइपोटेंशन जो तो हाइपरटेंशन होता है, सो इंपॉर्टेंट है। सो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी। बाकी इसके अलावा जो क्यों है, कैसे है, क्या क्या कारण होते हैं, वो सारा मैंने बता दिया है और इंपॉर्टेंट है, जो जो क्वेश्चन बताए उसको लिख लेना। चंद्र प्रकाश कुशवाहा, गुड इवनिंग सर, आपकी सर क्लास बहुत इंटरेस्टेड होती है, बिल्कुल, ये डाटा, ये कंटेंट इंटरेस्टिंग बनाता है, मेरा कुछ इसके अंदर ज्यादा रोल नहीं है, जो मैं डाटा लेकर आता हूं वो बहुत इंटरेस्टिंग है और इंपॉर्टेंट है, बाकी इसके अलावा ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही तो एक लाइक जरूर कर देना, अगर जिसने नहीं किया है, मुझे भी कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। सारे स्टूडेंट्स, According to the Helen's law, chances of twin pregnancy is 1 in 60, 1 in 70, 1 in 80 and 1 in 100. Aura stage के अंदर होती है smell of rose, बिल्कुल, rose rose smell आती है, मतलब rose color की smell आती है, super से भी ऊपर, बिल्कुल, you are great sir, भाई कोई बात नहीं, Dr. खुशवा, you are really great sir, Nitru Rawat, thank you सारे students को, ये आपका प्यार है जो इतना आप मेरे लिए इतना सारा सपोर्ट करते हो, डेली आते हो, सुप्रिया, राजवीर, राजवीर सिंह, सुनीता, कविता, किरण, लगभग ओके सर कर दिया लाइक, बिल्कुल सारे स्टूडेंट्स लाइक करें, अगर आपका सच में कॉन्फिडेंस बूस्ट करते हो, सलीम, ज्योति, बेबी, निशा, आर्या, एकता, चंद्र प्रकाश, हेमलता, गीता, पुनीत, लगभग सारे स्टूडेंट्स ने सही जवाब दिया है। देखो क्या है मेन चीज है, विच इज हेलेंस ला क्या है सर, अभी पता चल जाएगा, हेलेंस ला कोई ऐसी अलग से ला नहीं है, ये बस सब ट्विन प्रेगनेंसी होती है तो चांसेस बताते हैं कि ट्विन प्रेगनेंसी कितने में लोगों में से एक जो कपल होती है उसके अंदर होती है, यानी कि ऑप्शन सी इज 110% राइट, यानी कि 80 लोगों में से 80 जो बच्चे डिलीवर होते हैं उस 80 बच्चों में से एक ऐसा बच्चा होता है जो क्या होता है, शेयर कर दिया सर, और जरूर, बिल्कुल, थैंक यू जिसने शेयर किया, बाकी इसके अलावा 1 in 180, यानी कि ऐसी ऐसी कंडीशन होती है जब 80 में से एक जो कपल होता है, एक जो बच्चा डिलीवर होता है वो ट्विन प्रेगनेंसी का होता है, बाकी इसके अलावा जो 79 होते हैं वो सिंगल, जो नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है वैसी होती है। सो इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सो मैंने क्वेश्चन के अंदर इंक्लूड करवा दिया लाइव सेशन के अंदर, बाकी हेलेंस ला यही है और इसके अलावा हेलेंस ला कुछ नहीं है, बस ये प्रोबेबिलिटी बताता है कि जो ट्विन प्रेगनेंसी होती है वो कितने में से कितने हो सकती है। सो नेक्स्ट लेवल डाटा, नेक्स्ट लेवल डाटा, बिल्कुल सुरेश चौधरी, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, सेपरेशन एंजाइटी रिलेटेड टू द पेरेंट्स इज मोर कॉमन इन एज ग्रुप, टोटल प्री स्कूल, स्कूल एज गोइंग एडोलेसेंट। और प्लीज जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कीजिए, अगर आपको डेली ये कंटेंट अच्छा लग रहा है,
सारा सब कुछ होता है सर। पीडीएफ कहां से मिलेगी? डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर फर्स्ट टेलीग्राम चैनल देख रहे हैं, वहां पे पीआर है तो टारगेट आई सारी पीडीएफ अवेलेबल करवा दी है। और जिसका पटना एम्स का स्किल टेस्ट है उसके लिए जो एम्मा जोकोबी नाम की जो बुक आती है जो पूरी स्किल टेस्ट को थी, मेरी गारंटी से एक से पेपर से बाहर प्रोसीजर पूछ ले तो बहुत नेक्स्ट लेवल बुक है। पीडीएफ मैंने अवेलेबल वहां भी करवा रखी है। बिल्कुल सर बहुत कुछ मिल रहा है। और आपके डेली फ्रेंड्स सीनियर जूनियर भाई बहन सभी को लेकर आया करो जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके। कमेंट करें सारे स्टूडेंट्स टोटल प्री स्कूल स्कूल गोइंग और एडोलसेंट किसके अंदर सेपरेशन एंजाइटी मोस्ट कॉमन होती है? गिरिराज शिल्पा कालूराम विशाल निशा जिला मनसा एकता ओके गायनिक लाइब्रेरी विजय मीणा ओजना गेवत ओके। सेपरेशन एंजाइटी जो मेन होती है दैट इज सीन इन द विच वन टोडलर के अंदर। टोडलर से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं पीका वगैरह हो गया जो इसके अंदर अननेसेसरी फूड खाया जाता है पेंट होगी चिप्स होगी कुछ इस प्रकार से जो खाते हैं पीका जिसके अंदर आपको पता है मेन है वो मेनली टोडलर के अंदर ही पाई जाती है। बाकी इसके अलावा प्री स्कूल स्कूल गोइंग और एडोलसेंट एडोलसेंट के अंदर मोस्ट कॉमन होती कौन सी बुक है? एनामा जकोब नाम की बुक है ऋतुमन जो स्किल टेस्ट के लिए है और उसकी पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर फर्स्ट टेलीग्राम चैनल दे रखा है उसके ऊपर क्लिक करके आप ज्वाइन हो सकते हो। बाकी इसके अलावा स्कूल गोइंग होती है जो इसके अंदर कोई मेन जो बात है बस आप वो ध्यान रखना। अच्छा एक क्वेश्चन ये पूछा गया था विच इज कि जो अर्ली नियोनेट टाइम पीरियड होता है वो कितने दिन का होता है? यानी कि 0 से लेके 7 दिन का होता है वो अर्ली नियोनेट होता है। देन उसके बाद में 7 से 14 दिन का बीच का होता है और 14 to 28 days जो लास्ट का होता है। सो 0 से लेके 28 days क्या होती है? नियोनेट एक और 28 days ले एक साल तक विच इज टोडलर सॉरी इन्फेंट। देन उसके बाद में 1 से 3 साल टोडलर 3 से 6 साल प्री स्कूलर और 6 से 10 साल स्कूलर और 10 से 13 साल अर्ली एडोलेसेंट 13 से 16 साल मिडिल एडोलेसेंट और 16 से 20 साल या 18 साल दैट इज कंप्लीट एडोलेसेंट। सो इंपॉर्टेंट है ये डाटा पूछ लिया जाता है। सो सारे स्टूडेंट्स ध्यान देकर के चले 0 to 7 days अर्ली नियोनेट है एक पेपर के अंदर लास्ट टाइम पूछा गया था तो मैंने बता दिया है। बाकी इसका जो ऑप्शन है राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा जैकी जैन आ रहे हैं क्लास में बिल्कुल बढ़िया बात है। निशा ठाकुर 7 से 28 लेंगे सर बिल्कुल। भागीरथ मोद ओके सुनीता ऑप्शन ए सबसे पहले बताया। सी प्रेमलता बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिपीटेड है। किरण तनवर संगीता एकता पूरिया मुमताज राज के विक्रम राहुल मीना सुनेना राजेश मीना जगदेव मंगीलाल जैकी जैन ए मनीषा यादव ऑप्शन सी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन और बहुत कंफ्यूजिंग है और पता होने के बाद भी गलत होता हो जाता है विच इज बहुत गलत बात है और जो कि नहीं होना चाहिए। सो इंपॉर्टेंट है देखो क्या मैटरनल मोर्टिलिटी रेट इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ क्यों होता है और कैसे होता है? देखो क्या होता है कि जो नॉर्मल जितने भी अपने पास में फीमेल एक्सपायर हो जाती है मैटरनल मोर्टिलिटी रेट हो जाती है एक्सपायर होती है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी डिवाइडेड बाई उतनी एज की रिप्रोडक्टिव एज के अंदर जो भी जितनी भी फीमेल्स होती है इन टू में 1 lakh लिख लेना। ये फॉर्मूला होता है पूछ लिया जाता है और इंपॉर्टेंट है 1 lakh लिख लेना ना कि 10,000 होता है और ना 10 lakh होता है और ना 1,000 होता है 1 lakh के ऊपर पूरी ये सारा फॉर्मूला के अंदर कैलकुलेट किया जाता है मैटरनल मोर्टिलिटी रेट। सो इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर करे। 9000 स्टूडेंट्स की फैमिली होने वाली है विश्वास है 9000 स्टूडेंट्स का आपका डाटा आपका दिल आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है तो प्लीज डेली शाम को 8:30 बजे अपने सपने के लिए आइए। ये डाटा ये कंटेंट डेली ऐसे ही मिलेगा। ये सही है गौरव शर्मा 5-0 चेक करते हैं 5-0 चेक कर लेना 1 lakh हो जाएगा आंसर सही हो जाएगा। हाउ मच ब्लड इज ड्रॉन फ्रॉम ए डोनर व्हेन ए 1 ब्लड ऑफ यूनिट डोनेटेड 1000 ml 200 ml 300 ml और 500 ml। बताइए सारे स्टूडेंट्स कमेंट करें। निर्मा विकास पूजा पुष्पा राकेश जिला रीता सिंह संगीता जैकी जैन एकता डॉक्टर किशोर शर्मा बिल्कुल वंदना आर्या राकेश सी नॉर्मल 450 ml सुनीता देखो क्या 450 ml जो आप बता रहे वो अलग सीन है ओके बेबी मोन्टा देखो इंपॉर्टेंट है ऋषिकेश एम्स हो गया उसके अंदर जो 2019 के अंदर जो पेपर लगा था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था आरबीसी से रिलेटेड ब्लड से रिलेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल अधूरी बिना ब्लड ट्रांसफ्यूजन के। सो इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। देखो क्या होता है
जब आप ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हो तो जो दो चार चीजें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पूछते हैं। हर तीन महीने का गैप होना चाहिए एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन होने का। 15 से 45 साल की जो उम्र होती है, और प्लस में इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है 1 यूनिट 300 ml, बिल्कुल, और 350 ml होता है, पर 50 ml उसके अंदर क्या होता है, जो उसके अंदर स्टोर करके रखते हैं, जो अलग से सॉल्यूशन यूज किया जाता है, बट इसके अलावा वैसे 300 ml होता है। और देन उसके बाद में जब आप एक यूनिट चढ़ाते हो, लिख लेना ये बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने वाला हूं, लिख लेना, जब आप एक यूनिट ब्लड चढ़ाते हो तो 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन बढ़ता है और 2 से 3% हीमेटोक्रेटिक वैल्यू बढ़ती है। 1000 गुना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लेना। देन उसके बाद में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, विच इज रिलेटेड टू द, किसके द्वारा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, आप सारों को पता होगा, हाइपरकैलेमिया, हीमोलाइटिक रिएक्शन हो जाती है, स्टॉप कर देते हैं, हाइपोकैल्शियम हो जाती है, उसके अंदर चोस्टेक, ट्रोजेसाइन, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, 1000 बार मैं पहले बता चुका हूं, और चीज मैं और बता दूं कितना भी, आपको सारों को आता है और जो कि पता होना चाहिए, चोस्टेक साइन क्या होता है, ट्रोजेसाइन क्या होता है, हाइपरकैलेमिया के अंदर क्या ड्रग दी जाती है, सोडियम पॉलीस्टीरीन सल्फोनेट कैक्सिलेट नाम की, और हीमोलाइटिक के अंदर एनएस के द्वारा मेंटेन किया जाता है, फर्स्ट प्रायोरिटी स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन, सो इंपॉर्टेंट है। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है सी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। वन ऑफ द कंडीशन इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, बाइटोट स्पॉट, स्कर्वी, बेरी बेरी और रिट्रोलेंटर फिब्रोप्लेजिया। कल दिखाया था मैंने रिट्रोलेंटर फिब्रोप्लेजिया, वीकनेस। सर आपने किसी एग्जाम का स्किल दिया हो तो प्लीज मुझे, ब्रदर मैंने कोई स्किल नहीं दिया। पुष्पा जी, हितेश कुमार, शिल्पा, गिरिराज, वंदना, पुनीत, एकता, बी 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 बी, बाइटोट स्पोर्ट्स, सौरभ, पी के, कविता, निशा, सुनेना, केशर, सब किने सही कहा है। देखना चाहोगे ये होता है बाइटोट स्पोर्ट, दिख गया होगा आपको, आपने पहले भी देख रहा होगा फिर भी देख लीजिए। दिस इज नोन एज, विच इज बाइटोट स्पोर्ट, आपको दिख रहा होगा, अगर आपके अंदर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाती है तो यह दिया जाता है। विटामिन ए से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार, और क्वेश्चन क्या पूछा जाता है मैं वो भी आपको दिखाना चाहूंगा सारे स्टूडेंट्स को, और डोज से रिलेटेड पूछा जाता है, 1 लाख से शुरू होती है और फिर उसके बाद में हर 6 महीने बाद में कितने, नो जो डोज होती है इसकी 2 लाख की होती है, स्टार्टिंग 1 लाख से, और देन फिर उसके बाद में जितने भी हर 6-6 महीने बाद में 5 साल तक दी जाती है क्या, 2-2 लाख की डोज, टोटल 17 लाख हो जाती है। इंपॉर्टेंट है, 1970 के अंदर विटामिन ए का प्रोग्राम आया था और इससे रिलेटेड मोस्ट कॉमन बच्चे के अंदर जो ब्लाइंडनेस का कारण होता है विटामिन ए डेफिशिएंसी। रेखा, आई एम न्यू स्टूडेंट, सर बिल्कुल स्वागत है, आपको ये डाटा कंटेंट अच्छा मिल रहा है और आपको पता चल रहा होगा। बाकी इसके अलावा एडल्ट के अंदर मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस कैटरेक्ट, सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज विच इज ग्लूकोमा। सारा डाटा क्लियर है, इंपॉर्टेंट है और पूछते हैं। एक इमेज दिखाना मैं आपको भूल गया था, वो इमेज मैं आपको दिखा देता हूं। मैक्रोसोमिक बच्चा कैसा होता है, जब आप डायबिटिक मदर पढ़ रहे थे तो आपने देख रखा होगा पहले भी, और मेरा फर्ज है क्योंकि इमेज मेरे पास में है तो दिखाना मेरा फर्ज है सारे स्टूडेंट्स को। देखिए, हेयर इज द डायबिटिक मदर का बच्चा, यानी कि जब एक डायबिटिक मदर बेबी को डिलीवर करती है तो कैसा होता है बच्चा, मैक्रोसोमिक बच्चा होता है। ये थोड़ा सा मैक्रोसोमिक, इससे भी अगर मैं मैक्रोसोमिक दिखाऊं आपको तो बोलोगे सर ये तो सीरियसली मैक्रोसोमिक हो चुका है और इसने कुछ ज्यादा ही ग्रोथ कर ली है। सो आपको बच्चे की इमेज दिख गई होगी, देखिए ये होती मैक्रोसोमिक बच्चा। देखिए मैक्रोसोमिया, जो मैंने अभी जो क्वेश्चन इंक्लूड करवाया था, मैक्रोसोमिया से प्रेग्नेंट डायबिटिक प्रेग्नेंट फीमेल होती है तो उसके अंदर हाइपरग्लाइसीमिया का लेवल, ग्लूकोज इंक्रीज बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज, फैट का लेवल इंक्रीज, एंड विच लीड टू द मैक्रोसोमिया। 90% से लेवल इंक्रीज हो जाता है, 10% से कम प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन का सीन हो जाती है, प्रीटर्म बेबी के अंदर मोस्ट कॉमन होता है, और बाकी इसके अलावा 90% से ऊपर हो जाता है 4 kg का बच्चा, कुछ इस प्रकार से बच्चे का साइज हो जाता है जो कि बहुत बड़ा हो जाता है, मैक्रोस्कोमिक है, नाम से पता चल रहा होगा, सो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, बच्चे को से ऐसे डरे नहीं, ये इंसान का ही बच्चा है, भालू का बच्चा नहीं है, सो ऐसे ना देखे। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, सर मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल डाउन हो गया है, कोचिंग भी ले ली, सेल्फ स्टडी भी कर ली, मार्क्स इंक्रीज नहीं हो रहे सर। प्रीति मोयल, ये क्वेश्चन का जवाब आखिरी में देते हैं। गोलू मोलू, किरण तनवर, बिल्कुल, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, रिट्रोलेंटर फिब्रोप्लेजिया की इमेज मैंने कल दिखा दी थी। देन उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, एक क्लाइंट कंडीशन
Catheterizers evaluated by palpating the pulse above the catheter insert site, at the insertion site, distal to the catheter insertion, or in all extremities. नॉर्थसेट 2021 में टाइल 100 करोगे सर आप इस बार? बिल्कुल प्रीति जी, आप एम्स में लग जाओगे, डोंट वरी, बिल्कुल जैकी सर। मैं कह रहा हूं ये जो विश्वास है, एक बार करके देखिए लाइफ में। अगर आप कोई भी एग्जाम देके जाना, जिस बच्चे ने 4 जनवरी से रेगुलर बेसिस पे लाइव सेशन अटेंड किया है, अगर आपने सारे गोल्डन पॉइंट्स बनाए, डाटा पढ़कर जाते हो, आप कोई भी एग्जाम देके आइए, ये जो डाटा, ये जो कंटेंट है, ये 9000 स्टूडेंट्स का विश्वास है, कोई ऐसा विश्वास नहीं है। कोई भी पेपर देके आइए, आकर बात कीजिए, कितने क्वेश्चन आपको मिलते हैं, अगर नहीं मिले तो कभी विश्वास मत करना, और तो क्या हो सकता है, कॉमन सी बात है। प्रीति मोयल, कांता शर्मा सी, ऑप्शन सी। देखो मैं आपको इसके दिखाना भी चाहूंगा इमेज कार्डियक कैथेटराइजेशन की, और पूछते भी है और देखते भी है। पहले तो मैं इसके आपको जो नॉर्मल इमेज होती है मैं वो दिखाना चाहूंगा कार्डियक कैथेटराइजेशन की, कि कैसे किया जाता है कार्डियक कैथेटराइजेशन, और इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है रिकरेंट तरीके से इससे। सो एक सेकेंड, इस इमेज का साइज को छोटा कर दिया जाता है और देन फिर उसके बाद में आपको इमेज भी दिखाई जाएगी। अभी कमेंट करें तब तक सारे स्टूडेंट्स, बिना कमेंट करे कोई नहीं रहेगा। इमेज का साइज कुछ ज्यादा ही बड़ा हो जाता है तो उसको सर देखिए, हेयर इज द कार्डियक कैथेटराइजेशन। पहले तो मैं आपको नॉर्मल पिक दिखा रखा है। सर मैं लग सकती हूं क्या एम्स में? ऋतुमान, इस दुनिया में ऐसा कोई बच्चा पैदा नहीं हो जिसने बीएससी नर्सिंग की है जो एम्स में नहीं लग सकता। डिपेंड करता है आपने कितनी मेहनत की है। मैं ये भी नहीं कह रहा कि आपको कोचिंग करनी है, कोई जरूरी नहीं है, कहीं नहीं लिख रखा ऐसे कोई विधि विधान में या फिर कहीं भी ऐसे ग्रंथ में कि ठीक है आपको कोचिंग से सिलेक्शन हो सकता है। बिना कोचिंग के भी मैंने लोग, बिना कोचिंग के लोग भी मैंने दिल्ली एम्स में काम करते देखे हैं। ऋतु जी आपका कॉन्फिडेंस ना हो तो एम्स हो जाएगा बिल्कुल। अबव 80% डाटा आपका ही मिलेगा सर नॉर्थसेट में, ईएसआईसी में। मांगीलाल पटेल, बिल्कुल मैं जो डाटा दे रहा हूं ये विश्वास है। सो पहले आप कार्डियक कैथेटराइजेशन समझ कर चलिए। देखो तीन साइट, दो साइट मेन होती है, विच इज रेडियल साइट और प्लस में कैथेटर फीमोरल की जो साइट होती है। आप कहीं से भी कार्डियक कैथेटराइजेशन कर सकते हो, डिपेंड करता है पेशेंट की एज के ऊपर, क्लिनिकल कंडीशन के ऊपर, और इंपॉर्टेंट है ध्यान देकर के चले। कार्डियक कैथेटराइजेशन आपको दिख रहा होगा और पता चल रहा होगा। देन उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट चीज है मैं वो दिखाना चाहूंगा आपको, इसके अंदर जो ओरिजिनल पिक ऑफ कार्डियक कैथेटराइजेशन की होती है, कैसे किया जाता है उसकी भी दिखाना चाहूंगा आपको सारे स्टूडेंट्स को। अगर मेरे पास में इमेज अवेलेबल हुई तो जस्ट वेट ए 1 सेकेंड, हेयर इज द इमेज, और आप इस इमेज को देखिए और आप समझिए कि क्या है कार्डियक कैथेटराइजेशन। देखो इसको रेडियल आर्टरी के द्वारा हुआ था क्या कार्डियक कैथेटराइजेशन, यानी कि मान के चलिए अगर ये मेरी हैंड यहां से अगर एक इंसर्ट किया जाता है और देन फिर उसके बाद में आपके दिल तक लेके जाते हैं, वहां पे जाके कोई भी आपके इन्फार्क्शन हो रहा है, कोई भी ओकुलिजन हो रहा है, कोई भी डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन चेक करने के लिए ऑफ योर हार्ट, दैट इज नोन एज कार्डियक कैथेटराइजेशन होता है। सो इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। फीमोरल रूट के द्वारा भी होता है, रेडियल रूट के द्वारा भी होता है, दोनों होते हैं, इंपॉर्टेंट है। देन इसके अलावा केयर करने के लिए पूछती जाती है, दैट इज सर आप सभी कोचिंग वालों की बैंड बजा दोगे, ऐसे नहीं बोलते हैं जैकी जैन जी, सभी अपनी दुनिया में मेहनत करते हैं, सभी सारा सब कुछ करते हैं, मैं अपनी करता हूं, सभी अपने करते हैं, तो कभी किसी के बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए। ए क्लाइंट कंडीशन फॉलोइंग कार्डियक कैथेटराइजेशन इवैल्यूएटेड बाय ऑप्शन सी, डिस्टल टू द कैथेटर साइट, ना तो अबव द कैथेटर साइट करते हैं, ना इंसर्शन साइट के ऊपर करते हैं, ना इन ऑल एक्सट्रीमिटीज करते हैं, बट इंपॉर्टेंट है विच इज डिस्टल टू द कैथेटर इंसर्शन होता है और कुछ भी नहीं होता है। So important है, बाकी इसके अलावा ऑप्शन सी इज 110% राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। द स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट इन द बॉडी, और प्लीज आपको इसकी भी इमेज मैं दिखाना चाहूंगा, ओरिजिनल भी और नॉर्मल जो डायग्रामेटिक व्यू से होती है, कौन सा होता है इलियोफीमोरल लिगामेंट, आपको पता होना चाहिए ये स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट है। पुनीत शर्मा, ए को लो कर दिया जाए, बिल्कुल लो करके चाबी फेंक दी है। विशाल, हितेश, सलीम खान, सीमा, सूरा, पूजा, अंकुर, ज्योतिपाल, क्रुचि चौधरी, कालूराम, वंदना, सुरेश, कांता शर्मा, शिल्पा, और किसी को बैकग्राउंड में हरियाणवी गानों की म्यूजिक आए तो उसको इग्नोर कर दे प्लीज।
देन द स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट इन द बॉडी इज इलियोफीमोरल लिगामेंट, लैकुनर लिगामेंट, लिगामेंट ऑफ फ्लेमम। आपको इमेज दिखाना चाहूंगा, दिस इज इलियोफीमोरल लिगामेंट, ऑप्शन ए इज 110% राइट। देखिए, हेयर इज द इलियोफीमोरल लिगामेंट, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडन एक्विलाइट टेंडन होता है, और बाकी इसके अलावा लिगामेंट की बात करें तो इलियोफीमोरल लिगामेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देकर के चले सारे स्टूडेंट्स, पूछ लिया जाता है। सो देख सकते हो, आपको इमेज के अंदर प्रॉपर तरीके से दिख रहा होगा। देन उसके बाद में अगर मैं आपको इसकी ओरिजिनल, मनीष कुमार सर मेरा नाम नहीं लेते, बिल्कुल लेते ब्रदर, आप खुश रहे, आप अपना सेटिस्फेक्शन रखें, बस बेफिक्र है। बाकी इसके अलावा मैं आपको ओरिजिनल पिक दिखाऊंगा अगर इसकी, दैट इज रिलेटेड टू द इलियोफीमोरल लिगामेंट। सर आपका गजब का कॉन्फिडेंस है हर क्वेश्चन के आंसर का, बिल्कुल सही डाटा, एक्यूरेट डाटा ही कॉन्फिडेंस लाता है मनीषा जयकुमार, बिल्कुल। देखो क्या आपको इमेज दिख रही होगी, दिस इज ओरिजिनल इमेज ऑफ इलियोफीमोरल लिगामेंट, इंपॉर्टेंट है, दिखा दी है ओरिजिनल के साथ में आपको, वैसे भी कार्टून वाली भी और प्लस में नॉर्मल डायग्रामेटिक वाली भी और ये वाली भी, सो इंपॉर्टेंट है। बाकी इसके अलावा ध्यान पता चल गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, बताइए डॉक्टर केशव कुशवा, यू आर ग्रेट सर, थैंक यू ब्रदर। पीके त्रिवेदी मेरा नाम भी ले लो सर, बिल्कुल ले दिया ब्रदर, बस आप कमेंट करते रहे। द साइट फॉर नीडल प्रिक नियोनेट फॉर ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग इज, इसकी इमेज दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने नहीं देखी होगी और मेरा फर्ज है जो चीज आपने नहीं देखी उसको दिखाना। सो हेयर इज द, लिख लेना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा जा सकता है। द साइट फॉर ए नीडल प्रिक नियोनेट फॉर ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग, हील ऑफ द बेबी, पाम, फोरआर्म, लेग, पुष्पेंद्र, सोनिका, जैकी जैन, रियान, स्थानिया, गायनिक, रीता सिंह, हील आंसर है सर, बिल्कुल। देखिए ये है हील टू टेस्ट, देखिए बच्चे का कैसे चेक किया जा रहा है, हील को पिल करके और ब्लड ग्लूकोज इसके अंदर चेक किया जाता है, ब्लड का सैंपल लिया जाता है इसे। और अगर इसके पास मेरी और इमेज भी हुई तो मैं वो इमेज भी दिखाना चाहूंगा आप सारे स्टूडेंट्स को, कैसे किया जाता है बच्चे का हील टेस्ट। ओके हेयर इज द इमेज, देखिए इस इमेज में देखिए, देखिए इस इमेज में बच्चे का कैसे हील को प्रिक करके उससे खून लिया जा रहा है टू चेक द ब्लड लेवल, ब्लड हीमोग्लोबिन जो भी उनको जांच करनी है उस हिसाब से। सो इंपॉर्टेंट है, ध्यान देकर के चले, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, नेक्स्ट लेवल क्वेश्चंस है सारे स्टूडेंट्स के लिए, और ध्यान देकर के चले। इमेज आपको दिख रही होगी, प्रॉपर तरीके से समझ में आ रहा होगा सब कुछ, अरे ऐसे किया जाता है, सो इंपॉर्टेंट है। इस इमेज को मैं यहां से हटा देता हूं और ध्यान देकर के चले सारे स्टूडेंट्स। देन उसके बाद में तो ये था आज का डाटा सारा सब कुछ लाइव सेशन के साथ में, एक घंटा के आसपास है, दो मिनट बची है एक घंटे होने में, बट मैंने पहले ही लाइव सेशन लगभग कंप्लीट करवाया है। और बाकी इसके अलावा जाते जाते सारे स्टूडेंट से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, अभी कोई नहीं जाएगा, पहले मैं दो चार इंपॉर्टेंट बात है वो बता देता हूं, देन उसके बाद में जो भी आपको जिस चीज के लिए भी आपका काम है वो आप करते रहना। देखो क्या मेन चीज है, डेली शाम को आई थिंक आपको डाटा फायदा मिल रहा होगा, और मैं मेरे हिसाब से नेक्स्ट लेवल डाटा लेकर आ रहा हूं डेली की डेली। बाकी इसके अलावा इंपॉर्टेंट जो बातें हैं मैं वो बता देता हूं, आपको ये फायदा लग रहा होगा इस क्लास से, डेली शाम को 8:30 बजे आइए अपने सपने के लिए। अगर किसी को ये ज्यादा फायदा लग रहा है, कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाना। और इसके अलावा जो मेन चीज है, अगर आप मेरे लिए कुछ करना चाहते हो, आप थोड़ा सा भी सपोर्ट करते हो, तो जाते जाते बस एक काम कर जाना, ये वीडियो का लिंक आपके जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें शेयर कर जाना, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स ज्वाइन हो सके, फायदा उठा सके इस लाइव सेशन का। एक लाइक जरूर कर देना वीडियो पे अगर आपको फायदा हुआ है तो, अगर आपको डाटा अच्छा मिला है तो। और बाकी इसके अलावा कल मिलते शाम को 8:30 बजे, सर संडे को भी क्लास लेते हैं, बिल्कुल डेली क्लास लेंगे और डेली चल रही है, कल मिलते शाम को 8:30 बजे नए क्वेश्चंस के साथ में, नई डाटा के साथ में, नई मोटिवेशन के साथ में। तब तक के लिए सारे स्टूडेंट्स को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, पढ़ते रहे सारे स्टूडेंट्स।